स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अहम बैठक है और ये अहम बैठक ओमिक्रॉन को लेकर ली जा रही है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव जो कि अहम बैठक ले रहे हैं और इस अहम बैठक को लेकर काफी जो है अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या कुछ इसमें निकल कर आएगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इसके अंदर ओमिक्रॉन को लेकर ही चर्चा की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी जो हैं इस बैठक में मौजूद हैं। मोहन तिवारी हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं रायपुर से, उनसे हम जानकारी लेते हैं। क्या कुछ खबर आपके पास है इस बैठक से जुड़ी हुई? देखिए, जैसे कि पूरे देश भर से जानकारी आ रही है कि ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उससे संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस वजह से अलग अलग प्रदेशों ने अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाकर इसके बचाव के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ क्या कदम उठाए, खासतौर पर यहाँ विदेश से आने वाले लोगों की कैसे जांच हो, क्योंकि विदेश से आने वाले दो लोग कोरोना से संक्रमित भी पाए गए हैं। ऐसे में कोई ऐसा संक्रमण का विस्फोट ना हो, परिस्थितियों के अनुसार जल्द से जल्द फैसला लिया जा सके और मध्य प्रदेश में जैसा कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है कोई ऐसा कदम उठाया जा सकता है या कैसी सुविधाएं स्वास्थ्य की और बेहतर की जा सकती है, इन सब बातों पर डिस्कशन के लिए ये बैठक बुलाई गई है जिसे स्वास्थ्य मंत्री ले रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग से फीडबैक स्वास्थ्य मंत्री ले लेंगे और उसके बाद शासन से डिस्कशन के बाद सरकार की ओर से कोई जो फैसला होना है उस संबंध में इस बैठक को अहम माना जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी अपनी राय जो है व्यक्त करेंगे। जी जी मोहन, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिर छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश या फिर देश का कोई भी राज्य, ओमिक्रॉन को लेकर हर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के अंदर भी जो है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रायपुर के अंदर एक अहम बैठक ले रहे हैं जिसके अंदर ओमिक्रॉन को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी।